बगैर आधार नंबर के आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है या फिर आप अपना आधार कार्ड बनवाए थे लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना आधार नंबर के आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं कैसे आप अपना नाम से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट मोड जो है इसको अनेबल कर लेना है, वो डेस्कटॉप मोड पर आ जाएगा। उसके बाद आपको आधार का ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं माई आधार का ऑप्शन है, यहां पे आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं तीसरा नंबर पे है, सकते हैं ये जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पे आपको आधार पे सेलेक्ट रहने देना है और यहां पे आपको आपका जो पूरा नाम है वो नाम यहां पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड पर उस नंबर को यहाँ पे डाल देना है। अगर आप ईमेल आईडी रजिस्टर करवा के रखे हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा है यहाँ पे आपको फिल कर देना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओटीपी डाल दिया, सबमिट वाला बटन पर हम क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल में एक मैसेज आया होगा और उसमें आपका पूरा आधार नंबर लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो मेरा आधार नंबर है इसका लास्ट का जो चार अंक है वो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे सेंड टू यू रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि मेरा मोबाइल नंबर पे जो मेरा आधार नंबर है उसको भेज दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आधार नंबर का मैसेज है। अब हम इस आधार नंबर से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करके भी दिखाएँगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर कोई परेशानी आए या कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टाइम आपको रिप्लाई करेंगे। से आप अपना लैंग्वेज पहले सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। चलिए हम इंग्लिश सेलेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आधार के बारे में बहुत सारा फ्यूचर दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम फटाफट फिल कर लेते हैं। फिल कर दिए, सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करते हैं, ओटीपी डाल दिए, लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ अपना आधार में लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इस कोने में देख सकते हैं आपका फ़ोटो आ गया होगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड का जो फ्रंट और बैक साइड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आधार कार्ड की तरफ से है। ये सब ऑप्शन का यूज़ आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, ये यूज़फुल सर्विस दिया हुआ है आधार के तरफ से। सबसे पहले यहाँ पे आधार डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे पीवीसी आधार कार्ड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं और यहाँ पे एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ आधार के तरफ से, जो कि अगर आपका पुराना आधार कार्ड है उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, इसका लास्ट डेट जो है 14/9/2023 तक है। अगर अभी तक आपना आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किए हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख करके आप अपना आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड में जितना भी डिटेल है वो खुलकर आ चुका है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस पर कोई चेक मार्क नहीं लगाना है, इसको ऐसे रहने देना है, नहीं तो आपका आधार नंबर हाइड हो जाएगा, समझ गया। उसके बाद नीचे आना, नीचे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका। और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड क्या डालना है, आपका नाम का जो 4 अंक है पहले का, वो बड़ी में यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जन्मतिथि का जो वर्ष है उसको यहाँ पे डाल देना है, 2000, 2001, 2002 या 1985, 1987 जो भी है वो फिल कर देना है। आधार कार्ड जो है वो ओपन हो चुका है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना राय दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।